Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, possibly हमारे जो कि सेट फ्रीकिंग रॉलिंस है गाइज, हमको जल्दी ऐड होते हुए देख सकते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के फ्यूड में। सो गाइज, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप WWE के बहुत ही बड़ा वाले फैन हो और रोमन रेंस और सेट रॉलिंस के भी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, बात ऐसी है कि गाइस, हमको एक बहुत ही बड़े सोर्स से रिपोर्ट आया है कि WWE का गाइस ये प्लान चलेगी वो WWE के बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस सेट फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करने वाली है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अभी आप लोग बोलेंगे हमको तो लगा कि ये मैच रेसलमेनिया 39 में होगा, लेकिन गाइस WWE का भी ये प्लान है कि वो रेसलमेनिया 39 में गाइस आराम से ठीक ठाक हमको रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोज का मैच देखा कि पहले फॉर ये अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, बिकॉज रेसलमेनिया के ठीक बाद हमको मई के पहले ही हफ्ते में दिखने वाला है WWE का बैकलैश का प्रीमियम लाइव, और ये बैकलैश के प्रीमियम लाइव में गाइस WWE सेट रॉलिंस वर्सेस कोडी रोज वर्सेस रोमन रेंस का मैच प्लान कर रही है फॉर ये अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस, रेसलमेनिया 39 के बाद से ही आपको रोमन रेंस और कोडी रोज के फ्यूड में हमारे सेट रॉलिंस भी ऐड होते हुए देख सकते हैं, जैसे कि हमको कहते हैं ट्रिपल थ्रेट मैच देगा बैकलैश में फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और थोड़ी गाइस अगर रिपोर्ट की बात करें, शायद से गाइस थोड़े से ही चांसेस, यानी 1% कि अगर से WWE को कुछ आइडिया आया तो ये मैच पॉसिबली सिर्फ और सिर्फ WWE ही चैंपियनशिप के लिए ही हो सकता है। गाइस, अभी दो चैंपियनशिप है, WWE और यूनिवर्सल, तो गाइस पॉसिबली ये मैच सिर्फ WWE चैंपियनशिप के लिए होते हुए देख सकता है बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट में। और गाइज, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।